गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर 6 है साइंस में, चेंजेस अराउंड अस। चेंजेस अराउंड अस का मतलब क्या हुआ कि हमारे चारों तरफ जो है चेंजेस होते रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं। अब ये बदलाव कौन कौन से हैं इनके बारे में हम बताएंगे, और बदलाव किस टाइप के होते हैं, किस तरीके से होते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। आपके बुक के सबसे ऊपर में देखिए हेडिंग में दिया हुआ ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव, जिसमें दिया हुआ व्हाट इज ए चेंज, टाइप ऑफ चेंजेस और हाउ चेंजेस अकर्स। चेंज क्या होता है और टाइप ऑफ चेंजेस, ये कितने प्रकार से चेंज होते हैं, हाउ चेंजेस अकर्स और परिवर्तन कैसे होता है। एवरीथिंग इज द यूनिवर्स कीप ऑन चेंजिंग, यूनिवर्स में क्या है, सब कुछ कुछ ना कुछ बदलते रहता है, सब कुछ बदलता है। देयर आर टू मैनी चेंजेस टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ऑन, जहाँ हम लोग रहते हैं हमारे आसपास देखते हैं कि बहुत सारे चीज़ बदलाव होते रहते हैं। बेबीज ग्रो टू बिकम एडल्ट्स, सीड ग्रो इनटू प्लांट्स एंड ट्रीज, वेट क्लॉथ बिकम ड्राई, आयरन गेट रस्टेड, मिल्क कैन बी चेंज्ड इनटू चीज और कर्ड, चेंज ऑफ वेदर, ग्रो ऑफ योर हेयर नेल एटीसी। जैसे बच्चे क्या हैं, बच्चे बड़े होकर वयस्क हो जाते हैं, बड़े बच्चे जैसे आदमी हो जाते हैं, सीड्स बीज जो है वो बड़े होकर क्या होते हैं, ग्रो होकर प्लांट बनते हैं, प्लांट के बाद क्या होते हैं, वो ट्री में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा गीला कपड़ा जो है सूख जाता है, आयरन गेट रस्टेड, मतलब आयरन में आप लोगों ने देखा होगा लोहे में जंग लगता है, तो ये सब क्या बदलाव है। मिल्क कैन बी चेंज्ड इनटू चीज़ और कर्ड, दूध जो है वो बदल सकता है किसमें, चीज़ में और दही में। चेंज ऑफ वेदर, देखते हैं आप मौसम चेंज होता रहता है, कभी धूप होता है, कभी बारिश हो जाता है, कभी हवा तूफान चलता है। ग्रो ऑफ योर हेयर नेल्स etc, और आपके बाल और नेल जो है नाखून जो है वो बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट इज ए चेंज, चेंज क्या है। ए चेंज रेफर्स टू डिफरेंट इन सम प्रॉपर्टीज सच एज कलर, शेप, साइज और पोजिशन ऑन द थिंग ड्यू टू सम इफेक्ट्स। जैसे चेंज क्या बोलेंगे, जैसे कोई भी वस्तु है जिसमें उसके साइज में अगर चेंजेस आ जाए, कलर में आ जाए, उसके आकार में चेंजेस आ जाए, तो ये क्या हुआ, ये सब कुछ इफेक्ट्स हैं जो उसके पोजीशन को चेंज कर देता है। जैसे पोजीशन भी हुआ, पोजीशन चेंज हो गया तो कुछ चेंजेस, जैसे आप कुछ भी थिंग्स बुक वहाँ रखिए, उसके बाद थोड़ी देर बाद उठा के दूसरी जगह रख दीजिए, क्या उसका पोजीशन चेंज हो गया, तो यही हो गया चेंजेस। फर्स्ट है जिसमें पॉइंट है, पहला है चेंज इन साइज, लाइक इंक्रीज इन साइज ऑफ ए स्प्रिंग ऑन स्ट्रेचिंग, जब हम एक स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो क्या होता है, इनके साइज में इंक्रीज हो जाता है, तो आप देख सकते हैं इसका साइज क्या है, चेंज हो गया है। चेंज इन शेप, लाइक फोल्डिंग ऑफ पेपर इनटू पेपर बोट, अगर आप एक पेपर को पेपर बोट बनाते हैं तो देख सकते हैं उसमें चेंजेस आ गया। चेंज इन स्टेट, लाइक आइस चेंज इनटू वाटर ऑन मेल्टिंग, जब बर्फ पिघल कर क्या होता है, पानी में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, तो ये क्या एक चेंज है। तो मतलब फर्स्ट पॉइंट था आपका चेंज इन साइज, साइज में चेंज होना, फिर सेकंड क्या चेंज इन शेप, मतलब आकार में, पहला क्या था, पहला आकृति में किसी भी चीज़ के आकार में वृद्धि होना, दूसरा क्या था शेप बदल जाना, तीसरा पॉइंट है स्टेट, पहले क्या था वो स्टेट क्या हुआ, जैसे पहले वो आइस में था, ठोस था, फिर क्या हो गया वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट आपका चेंज इन वेट, लाइक चेंज इन द वेट ऑफ योर बॉडी, जैसे कुछ लोग क्या होते हैं, पहले होते हैं 80 किलो के, 70 किलो के या 80 किलो किसके, वो क्या होते हैं अपना वेट लूज़ कर लेते हैं, या कोई क्या होता है गेन कर लेते हैं, जैसे कोई 60 होता है 60 केजी का, तो वो 70 केजी हो जाता है, तो उसका जो वेट है क्या होता है, लूज़ होता है, मतलब कम होता है या गेन होता है, बढ़ता है। बर्निंग ऑफ पेपर इंटू एसेस, पेपर जो है अगर जल जाता है तो क्या बचता है, राख बचता है। रस्टिंग ऑफ आयरन नेल्स, मतलब कांटी जो होता है जिसको हम बोलते हैं कील बोलते हैं, लोहे की कील जो होते हैं उसमें क्या होता है, रस्टिंग हो जाता है, उसमें जंग लग जाता है। ए चाइल्ड ग्रोइंग इनटू एन एडल्ट, एक बच्चा जो है वो क्या होता है, ग्रो होकर के एक वयस्क आदमी बन जाता है।
तो आप लोगों ने देखा कि चेंजेस कितने टाइप के हैं और मतलब क्या क्या चेंजेस होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका टाइप ऑफ चेंजेस। चेंजेस आर क्लासिफाइड इनटू मेनी टाइप्स। चेंजेस को जो है कई भागों में बांटा गया है, क्लासिफाई किया गया, मतलब वर्गीकृत किया गया है। इसमें फर्स्ट है आपका रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल चेंजेस। रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल चेंजेस क्या होता है? रिवर्सेबल चेंजेस वो होता है जो चेंज होकर के फिर से अपने, मतलब उनका जो पोजीशन होगा, मतलब जो स्टेट होगा, चेंज होकर के फिर से उसी स्टेट में आ जाना। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं रबर बैंड को अगर हम खींचते हैं, क्या करते हैं, अगर हम स्ट्रेच्ड करते हैं तो स्ट्रेच्ड करने के बाद भी वो फिर से अपने पोजीशन में आ जाता है। जैसे आइस वाटर हो जाता है, मेल्टिंग होकर क्या होता है, वाटर होता है, फिर वो चेंज हो जाता है। अगर उसको फ्रीजर में रखते हैं, फ्रीज करते हैं डीप फ्रीजर में, तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हुआ आपका रिवर्सिबल चेंजेस। और इरिवर्सिबल चेंजेस क्या हो गया, जो एक बार अगर चेंज हो गया तो वो फिर कन्वर्ट नहीं हो सकता है अपने सेम पोजिशन में। जैसे आप लोग किसी भी रबड़ को स्ट्रेच कीजिए और वो टूट जाएगा, तो फिर वो अपने सेम पोजिशन में नहीं जा सकता है। अगर हम किसी पेपर को क्या करते हैं, बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो क्या होता है, वो राख बन जाता है। तो ये हो गया आपका इरिवर्सिबल चेंजेस, जिसमें परिवर्तन नहीं होगा, मतलब फिर से सेम पोजिशन में वो नहीं आ पाएगा। तो हम ए और बी पढ़ के बताते हैं अभी। रिवर्सेबल चेंजेस, स्ट्रेच ए रबर बैंड एंड देन लीव इट। अगर हम एक रबर बैंड को खींचते हैं फिर इसको छोड़ देते हैं, द रबर कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द फोर्स इज रिमूव्ड। जब हम फोर्स दे करके छोड़ देते हैं फिर, तो क्या होता है, वो अपने पोजिशन में आ जाता है, ओरिजिनल शेप में बाद में आ जाता है। द चेंजेस विच कैन बी ईजली रिवर्स्ड बाय रिमूविंग द काउज ऑफ द चेंज आर कॉल्ड रिवर्सेबल चेंजेस। मतलब वैसा परिवर्तन जो परिवर्तित होकर के आसानी से बदल जाए, जो अपना पोजिशन चेंज करके फिर से वो अपने पोजिशन में आ जाए, आसानी से बदला जा सके, उसे रिवर्सेबल चेंजेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग देखें, मेल्टिंग ऑफ आइस इंटू वाटर एंड हीटिंग इज ए रिवर्सेबल चेंज ऑफ वाटर कैन बी अगेन कन्वर्ट इंटू आइस ऑन फ्रीजिंग। अगर हम आइस को हीटिंग करते हैं तो क्या होता है, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम वाटर को फ्रीजिंग करते हैं तो क्या होता है, वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक उसी तरीके से बी नंबर है आपका इरिवर्सेबल चेंजेस, नाउ स्ट्रेच ए रबर बैंड सो मच डैट इट्स ब्रेक। अगर हम बहुत ज़्यादा रबर बैंड को खींचते हैं तो वो क्या होता है, टूट जाता है। कैन दिस ब्रोकन रबर बैंड बी ब्रॉट बैक टू इट्स अर्लियर शेप एंड साइज। क्या होता है, वो टूटा हुआ जो बैंड है वो अपना शेप और साइज जो है क्या करता है, चेंज कर लेता है। वो फिर अपने इनिशियल पोजीशन में नहीं जा पाता है, मतलब अपने सेम पोजीशन में जो पहले था, ओरिजिनल शेप था, वो नहीं हो पाता है। वर्न ए पीस ऑफ पेपर इट टर्न्स इनटू एसेस। मतलब अगर हम किसी पेपर को वर्न करते हैं तो वो क्या होता है, एसेस में चेंज हो जाता है, राख में। कैन वी गेट द पेपर बैक फ्रॉम एसेस, हमको क्या मिलता है, तो पेपर का राख मिलता है। द आंसर इज बोथ द केसेस इज नो। अगर हम मतलब क्या हम उसको फिर से पेपर में बदल सकते हैं, यह कैन वी गेट द पेपर, मतलब क्या हमको फिर से पेपर मिल सकता है एसेस से, तो नहीं। द आंसर इज बोथ द केसेस इज नो, मतलब दोनों, अगर दोनों का आंसर देखें कि दोनों क्या चेंज हो सकता है, रबड़ टूटने के बाद फिर से रबड़ में हो सकता है, नहीं। पेपर जलने के बाद राख हो जाएगा तो क्या उसको उससे फिर वो अपने पोजिशन में आ सकता है, नहीं आ सकता है। द चेंज विच कैन नॉट बी रिवर्स इवन बाय चेंजिंग द कंडीशन और बाय रिमूविंग द काउज आर कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंजेस। मतलब वैसा चेंजेस जो अपने ओरिजिनल पोजिशन में नहीं जा सकता है, फिर से अपने शेप में नहीं जा सकता है, तो ऐसे चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस। मतलब इसका हिंदी होता है अपरिवर्तनीय परिवर्तन। एक होता है परिवर्ती, मतलब जो परिवर्तित हो सकता है, जो चेंज होकर के, और अपरिवर्तनीय मतलब जो अपरिवर्तित मतलब परिवर्तित नहीं हो सकता है। फिर आपका है सम अदर एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल चेंजेस आर। इरिवर्सिबल चेंजेस का कुछ एग्जांपल, जैसे ए बेबी ग्रो इनटू एन एडल्ट। जब एक बच्चा बड़ा आदमी बन जाता है, वयस्क हो जाता है, तो क्या होता है, फिर वो बच्चा नहीं बन सकता है। रैपिंग ऑफ रूट्स,
फ्रूट्स अगर पक जाता है तो फिर उसके बाद वो कच्चा नहीं हो सकता है। रस्टिंग ऑफ आयरन नेल्स, अगर किसी भी नेल्स में क्या होता है, जंग लग जाता है किसी भी कील में, तो वो फिर से ठीक नहीं हो सकता। आयरन नेल जैसे चेंज होने के बाद फिर से उसको ठीक कर दीजिए तो वो नहीं होगा। टेम्प्रेरी एंड परमानेंट चेंजेस, कुछ चेंजेस जो होते हैं वो टेम्प्रेरी होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो परमानेंट चेंज हो जाते हैं। शेडिंग ऑफ लीव्स ऑफ ए ट्री इज टेम्प्ररी चेंजेस, अगर कोई भी पेड़ का अगर पत्ता टूट जाता है, गिर जाता है, वो क्या टेम्प्ररी चेंज है, फिर उसमें पत्ते आ सकते हैं। बट रैपिंग ऑफ फ्रूट्स इज ए परमानेंट चेंज, अगर कोई फल पक जाता है तो वो क्या परमानेंट पक गया, इसके बाद वो कच्चा नहीं हो सकता है। मेंशन टू सच एग्जाम्पल्स, आप लोग इसमें कुछ दो एग्जाम्पल्स लिखिए कि कौन से टेम्प्ररी और परमानेंट चेंजेस हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट 3, डिजिरेबल एंड अनडिजिरेबल चेंजेस, द चेंजेस डैट यू वॉन्ट टू अकर्स आर कॉल्ड डिजिरेबल चेंजेस, द चेंजेस डैट यू डू नॉट वॉन्ट टू अकर आर कॉल्ड अनडिजिरेबल चेंजेस। डिजिरेबल चेंजेस वो हुआ जिसको आप चेंजेस करना चाहते हैं जो खुद से, और अनडिजिरेबल चेंजेस वो हुआ जो ऑटोमेटिक अपने आप होगा चेंजेस, जो जिसमें आपका कोई भी हाथ नहीं होगा। बुक में कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, देखिए। एग्जाम्पल, कुकिंग ऑफ ए फूड इज डिजिरेबल एंड स्पॉइलेज ऑफ ए फूड इज अनडिजिरेबल, मतलब आप खाना बनाते हैं तो वो क्या है, डिजिरेबल है जो आप खुद से बनाते हैं, और स्पॉइलेज मतलब अगर भोजन ख़राब हो जाता है तो वो क्या है, अनडिजरेबल है, इसमें आपका कोई हाथ नहीं है, वो ख़राब हो गया। अगर आप किसी भी चीज़ को एक दिन दो दिन से ज़्यादा रखें तो वो ख़राब हो जाएगा। रिपिंग ऑफ फ्रूट्स इन डिजरेबल एंड मेल्टिंग ऑफ आइस क्रीम इज अनडिजरेबल, रैपिंग ऑफ फ्रूट जो है फल का पकना वो क्या है, डिजरेबल है, लेकिन अगर आप मेल्टिंग ऑफ आइस हैं तो वो क्या, अनडिजरेबल है। मेंशन टू मोर सच चेंजेस, इसमें आप दो ऐसे चेंजेस लिखिए जो क्या है, डेजरेबल है और अनडेजरेबल चेंजेस हैं। आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट जो है स्लो और फास्ट चेंजेस, फिजिकल और केमिकल चेंजेस, इन सब के बारे में कल हम बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।